तो हे गाइस, अगर आप भी यहाँ पर Realme GT2 के यूजर है या GT2 लेने का सोच रहे गाइस इस Flipkart के सेल में, तो यहाँ पे गाइस आप लोगों के लिए गुड न्यूज है। सबसे पहले Android 13 अपडेट आ चुका है Realme GT2 के लिए और यहाँ पे मैंने सक्सेसफुली इंस्टॉल भी कर लिया है। Android 13 का फुल फीचर्स और रिव्यू का वीडियो मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, नहीं देखा तो जाके वहां से आप चेकआउट कर सकते हैं। Android 13 यानी Realme UI 4.0 भी। और आज की इस वीडियो में हम यहाँ पे Realme UI 4.0 और Android 13 के फुल रिव्यू करने वाले हैं। जी हाँ गाइस, आप में से बहुत सारे यूजर्स पिछले वाले वीडियो Android 13 वाले वीडियो में पूछ रहे थे बैटरी बताओ, चार्जिंग बताओ, प्रोसेसर कैसा है, ये वो आफ्टर Realme UI 4.0 अपडेट के बाद। तो यहाँ पे इस Realme UI 4.0 अपडेट का फुल रिव्यू यहाँ पे मैं देने वाला हूँ गाइस। 3 दिन से इस सॉफ्टवेयर को मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। थर्सडे को मैंने यहाँ पे अपडेट किया था, 6 GB का अपडेट साइज था। और आज की इस वीडियो में हम यहाँ पे उसी के बारे में बात करने वाले हैं। यहाँ पे मैं आज की इस वीडियो में आपको कैमरा, बैटरी, चार्जिंग, फुल रिव्यू, हर चीज बताने वाला हूँ। तो गाइस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दे अपने दोस्तों के पास। और कोई भी क्वेश्चन है गाइस डिवाइस से रिगार्डिंग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं यहाँ पे आपको हेल्प कर दूंगा। तो गाइस बिना किसी देरी के चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं Realme UI 3.0 ट्रायल वर्जन, जिसमें आपको देखने को मिलता है Android 13 जो कि लेटेस्ट है अभी गाइस। और यहाँ पे बात करूँ गाइस, देख सकते हैं Android 13 का फर्स्ट लुक। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये Android 13 का ईस्टर एग हो गया, जिसे आप यहाँ पे इमोजीज देख सकते हैं चेंज होते रहता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे गाइस Android 13 अपडेट के बाद परफॉर्मेंस की। इस डिवाइस में आपको कैसा परफॉर्मेंस देखने को मिलता है इसके बारे में मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे मैंने टेस्ट किया था Antutu Geekbench और CPU थ्रॉटलिंग का। तो सबसे पहले Antutu दिखाता हूँ। तो देख सकते हैं गाइज Antutu यहाँ पे आपको देखने को मिलता है 747,984 का, जो स्कोर जो है सिमिलर है गाइज Android 12 अपडेट के लिए। और यहाँ पे फिलहाल ये ट्रायल वर्जन है, यानी बीटा वर्जन से भी पहले एक वर्जन होता है ट्रायल, वो है, इस वजह से इतना स्कोर नॉर्मल है। जब स्टेबल अपडेट आएगा उसके बाद प्रॉपर फुल रिव्यू मैं यहाँ पे दूंगा, जिसमें मैं बिलीव है गाइज कि इसका जो स्कोर है वो यहाँ पे इंक्रीज होगा। हीटिंग की बात करूँ तो गाइज Antutu टेस्ट करते टाइम मेरा जो डिवाइस है वो यहाँ पे 4.4 डिग्री के समथिंग यहाँ पे हीट हुआ था। देख सकते हैं 44 डिग्री से 48 पे चला गया था, क्योंकि ये फुल परफॉर्मेंस यहाँ पे लेता है गाइज, इस वजह से डिवाइस हीट अप हो जाता है। बाकी नॉर्मल यूज में ये कभी भी यहाँ पे हीट नहीं हुआ है। देख सकते हैं CPU स्कोर, देख सकते हैं 182,898 और GPU देख सकते हैं 287,465। बाकी ये सब देख सकते हैं, ये दोनों तो हो गया RAM और स्पीड का, जो कि देख सकते हैं 133,000 एंड 144,000, सब टोटल यहाँ पे 747,984 जो कि एवरेज है गाइस Snapdragon 888 का। तो यहाँ पे ये आपको हो गया Antutu। अब यहाँ पे हम बात करेंगे गाइस Geekbench का। तो Geekbench यहाँ पे देख सकते हैं सिंगल कोर में 1070 और मल्टी कोर में 3072 आपको देखने को मिलता है, जिसे मैं बोलूंगा काफी अमेजिंग यहाँ पे देखने को मिलता है। पहले से थोड़ा इंक्रीज हुआ है, पहले जो था मेरे डिवाइस में मल्टी स्कोर यहाँ पे 2900 के समथिंग देखने को मिलता था, बट अब यहाँ पे 3000 तक यहाँ पे इंक्रीज हो चुका है, जो कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं गाइस ये हो गया। अब यहाँ पे बात करते हैं CPU थ्रॉटलिंग की। तो CPU थ्रॉटलिंग देख सकते हैं 15 मिनट का CPU थ्रॉटल का टेस्ट किया था, जहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ग्राफ जो है फुली ग्रीन है, बिल्कुल भी परफॉर्मेंस ड्रॉप नहीं हुआ है। बात करें यहाँ पे परफॉर्मेंस की, तो देख सकते हैं CPU जो थ्रॉटल 192% अपना यह परफॉर्मेंस मैक्सिमम दिया है, बाकी 8% तक यहाँ पे डिक्रीज हुआ है। और एवरेज स्कोर की बात करूँ तो 327,697 यहाँ पे आपको देखने को मिलता है गिब्स, जो कि आप लोग यहाँ पे देख ही सकते हैं गाइस। तो ये हो गया गाइस CPU थ्रॉटलिंग की। तो ये देख सकते हैं ये डिवाइस का परफॉर्मेंस है, जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। बात करते हैं गाइस अब यहाँ पे हीटिंग के बारे में। तो ये जो डिवाइस है ये यहाँ पे आपका हीट नहीं होता है। बहुत सारे यूजर्स यही मुझसे पूछते हैं कमेंट में और टेलीग्राम पर भी कि क्या ये डिवाइस हीट होता है या नहीं। तो अगर आप एक नॉर्मल यूजर है जो कि आप उतना गेम नहीं खेलते हैं, तो ये आपका डिवाइस बिल्कुल भी हीट नहीं करेगा, बिल्कुल भी नहीं यहाँ पे। और नॉर्मल जैसे 29-30 टेम्परेचर रहता है उतना रहेगा, यहाँ पे मैंने टेस्ट कर चुका हूँ। और बात करें जब अगर आप गेम खेलते हैं, तो अगर आप फैन में रहते हैं गाइस, तो यहाँ पे ये जो डिवाइस है 37 तक जा सकता है और FPS यहाँ पे तो ड्रॉप होता नहीं है। मैक्सिमम 60 FPS में गेमिंग करेंगे तो आपको 57-58 तक यहाँ पे FPS देखने को मिलेगा। बाकी देख सकते हैं ये जब आप टेस्ट करेंगे जैसे कि Antutu Geekbench, इस समय क्या है गाइस डिवाइस इसलिए हीट होता है क्योंकि यहाँ पे ये सब डिवाइस का एप्लीकेशन है, ये सब फुल परफॉर्मेंस यहाँ पे डिवाइस का यूज करता है, इस वजह से डिवाइस का टेम्परेचर जो है इतना इंक्रीज हो जाता है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इस वजह से, बाकी नॉर्मल यूजर्स में आपका ये डिवाइस बिल्कुल भी हीट नहीं करेगा, आप लोग यहाँ पे खुद चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं। अब यहाँ पे हम बात करेंगे गाइस इस डिवाइस की कैमरा की। अपडेट करने के बाद यहाँ पे मेरे को कैमरा कैसे देखने को मिलता है। सबसे पहले देख सकते हैं यहाँ पे कैमरा लेआउट तो चेंज हुआ था, जिसके बारे में Realme UI 4.0 के फीचर्स वीडियो में मैंने ऑलरेडी बता दिया, नहीं देखा लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। तो देख सकते हैं गाइस ये कैमरा का लेआउट।
अब यहाँ पे बात करते हैं गाइस कैमरा सैंपल्स की, तो कुछ कैमरा सैंपल्स आप अपने स्क्रीन पर यहाँ पे देख सकते हैं गाइस। तो गाइज अब यहाँ पे आते हैं हम गाइज सबसे इम्पोर्टेंट बैटरी एंड चार्जिंग की। अपडेट करने के बाद बैटरी बैकअप आपको कैसा देखने को मिलता है और क्या चार्जिंग फास्ट है या स्लो है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं बात करूंगा गाइज चार्जिंग का। तो चार्जिंग जो है जैसा था पहले जैसा वैसे ही है। 28-29 मिनट में यहाँ जो मेरा डिवाइस है फुल चार्ज हो जाता है, मैंने यहाँ पे ऑलरेडी चेक कर रखा है। और बात करूँ सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, तो न्यू चार्जिंग एनिमेशन आपको देखने को मिलता है। स्क्रीन रिकॉर्डिंग ये नहीं हो पाया इस वजह से मैं नहीं दिखा पाया, बट स्क्रीनशॉट ले लिया तो वो यहाँ पे आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। कुछ इस तरह का आपको चार्जिंग एनिमेशन यहाँ पे देखने को मिलता है। और चार्जिंग स्पीड में कोई भी यहाँ पे अंतर नहीं हुआ है गाइज एंड्रॉयड 12 एंड्रॉयड 13 में पहले ही जैसा आपको देखने को मिलता है। बात करें आप गाइज बैटरी की, तो बैटरी यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। बैटरी बैकअप जो है वो भी मैं बोलूंगा पहले ही जैसा देखने को मिलता है, कोई भी यहाँ पे चेंज नहीं आया है। नॉर्मल यूजेस में आपका 7-8 आवर कंटिन्यूअसली चला जाएगा। जैसे कि मैं सुबह में चार्ज करता हूँ तो मैं बाहर जाता हूँ थोड़ी देर के लिए, फिर उसके बाद जब आता हूँ करीब शाम को 7-8 बजे, तो मेरा जो डिवाइस है वो 20-23% पे रहता है, 100 से 20-23। तो ऑन एवरेज मैं देखूंगा इस नॉर्मल यूजेस में मेरे को 11 से 12 आवर तक बैटरी बैकअप चल जाता है। बाकी कंटिन्यूअस यूज करता हूँ तो उसमें वहां पे मेरे को 6-7 आवर तक आराम से बैटरी चला जाता है, जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं गाइस। तो बैटरी यूजेस यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे जैसा कि देख सकते हैं फिलहाल ये 50% पे चार्ज है। रात को 8 बजे यहाँ पे मैंने चार्ज किया था और अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं गाइस। और बैटरी ग्राफ यहाँ पे देख सकते हैं गाइस कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलता है। ज्यादा उतना बैटरी ड्रेन नहीं हुआ है, हालांकि फिलहाल ये ट्रायल वर्जन है तो थोड़ा बहुत इश्यूज देखने को मिलेगा ही, बट यहाँ पे स्टेबल अपडेट आएगा तो सारे फिक्स हो जाएंगे। और बग्स की बात करूँ गाइस इस डिवाइस में, तो यहाँ पे आपको एक भी मेजर बग्स देखने को नहीं मिलता है। जैसा एंड्रॉयड 12 अपडेट था सिमिलर ही यहाँ पे एंड्रॉयड 13 अपडेट है। कोई भी यहाँ पे अभी तक तो मैंने बग फेस नहीं किया। लास्ट 3 दिन से यहाँ पे मैं इस डिवाइस को यूज कर रहा हूँ और फुल्ली स्टेबल मेरे को फील हुआ है। बिल्कुल भी यहाँ पे ना लैग फ्रीजिंग इश्यूज ये सब कुछ भी मेरे को यहाँ पे नहीं देखने को मिला है, जो कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। तो देख सकते हैं गाइस ये Realme UI 4.2 Android 13 का फुल रिव्यू जो कि मैंने यहाँ पे आपको बता ही दिया। और आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई होगी गाइस वीडियो को लाइक कर दे, चैनल पर न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को दबा दे और हमारे टेलीग्राम चैनल को जाके जल्दी से ज्वाइन कर ले, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। और इस वीडियो में आपका कोई भी क्वेश्चन है कमेंट सेक्शन में मुझे बताए, यहाँ पे मैं आपको हेल्प कर दूंगा। तो गाइस मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।